वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में मोटो का फोन। इसमें अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बताया था। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम फॉलो करना है और ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है आपको फ़ोन में ये इजीली आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो आइकन के नीचे वर्ड्स आ रहे होंगे ये सारे अदर लैंग्वेज में आ रहे होंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश में ही रहेंगे, बाकी तो 90% 80% जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम सेटिंग में जाके इसको चेंज करेंगे। तो सेटिंग का आइकन ये रहा, आपको सेटिंग के आइकन को जो है टच करना है और ये सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो स्लाइड करके नीचे आके यहाँ से भी आप सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। दोनों तरफ से आप कहीं से भी जाएं जो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे नीचे आना है, डाउन साइड पे यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो जो सबसे लास्ट ऑप्शन होगा उसके फर्स्ट वाला ये गोल सा सर्कल होगा आइकन, ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। जब आप इस पर टच कर देंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको उस पर टच करना है। फिर ये देखें, फिर ऑप्शन आया एक फर्स्ट ऑप्शन, फिर आपको उसी पर टच करना है। हम इस पर टच कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 और 2 में अगर आपको लैंग्वेज शो हो रही है, जैसे कि मैं अभी बताया था मैंने यहाँ से अभी एक लैंग्वेज ले ली, और ऐसे अगर 1 और 2 में लैंग्वेज आ रही है तो आपको क्या करना है, आप इसे प्रेस करके ऊपर ले आएंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। देखिए अब मैं इसे फिर से ऊपर ले जाऊँगा तो फिर से लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो यहाँ पर अब हम 3 डॉट पर जाएंगे, जो लैंग्वेज हमको हटानी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।